नमस्कार साथियों, एसके एक्सीलेंस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 13A का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। इससे पहले बाकी सभी सवाल को बता दिया गया है, आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो 14 क्वेश्चन क्या कहता है, एक बेलनाकार भवन के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है और उसमें उपस्थित हवा का आयतन 41 सही 19/21 घन मीटर है। यदि गुंबद का आंतरिक व्यास भवन की कुल ऊंचाई के बराबर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो है देखिए हवा का आयतन दिया हुआ है, तो इस भवन में जो ये भवन है इसमें जो हवा भरी है उसका आयतन जो है कितना है, इतना है। तो इस भवन का अगर आयतन ज्ञात कर लिया जाए और इससे तुलना कर दिया जाए तो जो है हमारा जो है क्या निकल जाएगा, कुल ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका फिगर समझते हैं हम लोग। फिगर कैसे है, कह रहा है कि एक बेलनाकार भवन के ऊपर अर्धगोला जो है बैठा हुआ है। ठीक है, एक बेलनाकार भवन है और इसके ऊपर अर्धगोलाकार जो है गुंबद है, इसके ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है, ये है गुंबद अर्धगोलाकार। ठीक है, गुंबद है, ठीक है, ये अर्धगोलाकार गुंबद बन गया। ठीक है, ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसमें हवा भरा हुआ है। ठीक है, यदि गुंबद का आंतरिक व्यास भवन की कुल ऊंचाई के बराबर, कह रहा है ये जो व्यास है ना, व्यास व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है ना। तो मान लीजिए कि इसका व्यास 2R है। ठीक है, मान लीजिए कि व्यास इसका 2R है, क्योंकि R हम लोगों को जो है R से जो है काफ़ी मदद मिलेगा, इसलिए जो इसको R ले रहे हैं 2R। ठीक है ना, तो व्यास क्या है, 2R है। ठीक है, अब देखिए इसका जो है ये है भाई गुंबद, ऐसे बेलनाकार होगा ना। ठीक है, तो बेलन के आकार का ऐसे ही होगा ना, और यहाँ भी जो है इसका अर्ध जो गोला है ये बेलन है ऐसे होगा, और इस पे एक गुंबद आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो 2R है ना, 2R के बराबर ही इस भवन की कुल ऊंचाई है, 2R के बराबर ही, यानी कि भवन की कुल ऊंचाई भी जो है कितनी है, 2R है, भवन की कुल ऊंचाई भी 2R है। ठीक है, ठीक है, कह रहा है कि भवन की कुल ऊंचाई के बराबर है, गुंबद का आंतरिक व्यास भवन की कुल ऊंचाई के बराबर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुल ऊंचाई के बराबर है क्या, इसका आंतरिक व्यास, इसका आंतरिक व्यास इसके कुल ऊंचाई के बराबर है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो हम लोग जो है अब अगर 2R है ये पूरा ऊंचाई है, तो देखिए ना, अब देखिए, अब अगर मान लीजिए कि इसका व्यास कितना है, 2R है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इस गोले की, इस गोले का व्यास 2R है, तो त्रिज्या केवल R नहीं हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है R हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की हाइट R हो जाएगी। तो ये है 2R, तो 2R में से अब R घटा दिया जाए तो ये हाइट निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, ये R, तो ये भी जो है क्या हो जाएगा, R हो जाएगा ना, तो ये R हो गया, हो गया। ठीक है, तो अब जब इसका R, इसका हाइट निकल गया इस बेलन का, ठीक, और इस गोले का त्रिज्या निकल गया, तो अब हम लोग जो है बेलन का आयतन आराम से ज्ञात कर सकते हैं और जो है अर्धगोले का जो है आयतन आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिखेंगे माना, माना क्या है, दिया है, दिया है, दिया है, क्या दिया है कि जो भवन की ऊंचाई जो है, भवन की जो ऊंचाई है अर्धगोले के व्यास के बराबर है, तो भवन की ऊंचाई बराबर, भवन की ऊंचाई बराबर 2R, 2R, भवन की ऊंचाई 2R है। ठीक है, तो भवन की ये गुंबद की त्रिज्या, गुंबद की त्रिज्या क्या हो जाएगी, क्योंकि चूँकि इसका व्यास 2R है, तो भवन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 2R/2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि R, तो भवन की त्रिज्या हो गई R, गुंबद की त्रिज्या R हो गई। ठीक, और बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तो बेलनाकार भाग यहीं से यहीं तक है ना, तो यहाँ लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलन की
ऊंचाई भाई, ये टोटल भवन की ऊंचाई 2 आ रहा है, तो खाली बेलन की ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, 2R - R, क्योंकि ये R होगी, बेलन की जो त्रिज्या R हो गई, तो जो है अब 2R में से R घटाएंगे तो कितना हो जाएगा R, तो जो बेलनाकार भाग की त्रिज्या हो गया R। ठीक, तो अब बेलन का जो आयतन निकाल लेंगे, यहाँ लिखेंगे बेलना बेलनाकार भाग का आयतन, आयतन कितना होगा, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो पाई का मान क्या ले लेना है, पाई का मान जो है, पाई का मान पाई रहने दीजिए, ठीक है, और आर का मान जो है, इसका आर जो है आर ही है, तो आर स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है भाई, जो इसका व्यास है, उसका व्यास जो है, इस बेलन का भी तो व्यास वही होगा, तो व्यास 2R है, तो त्रिज्या इसकी भी तो R होगी, तो इसकी भी त्रिज्या R ही है, ठीक है, ठीक, और ऊंचाई भी R ही है, ऊंचाई भी तो R ही लिया आया है ना, इसका ऊंचाई भी R ही आया है, ठीक, तो जो पाई आर स्क्वायर आर हो गया, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, पाई आर क्यूब लिख सकते हैं ना, पाई आर क्यूब, ठीक है, तो जो है पाई आर क्यूब, अब मीटर के क्यूब, ठीक है, मात्रक का जो है क्यूब जरूर लिखेंगे परीक्षा में, ठीक है। तो ये हो गया आयतन किसका, बेलनाकार भाग का आयतन। अब हम लोग क्या करेंगे, अर्धगोलाकार गुंबद का आयतन निकाल लेंगे, इस गुंबद का आयतन, तो लिखेंगे गुंबद का आयतन, गुंबद का आयतन बराबर क्या होगा, अर्धगोलाकार है तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 अब पाई आर क्यूब होता है ना, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब जो है भाई गुंबद का आयतन निकल गया, ये अर्धगोलाकार है, यहाँ लिख सकते हैं अर्ध गोलाकार गुंबद का, अर्ध गोलाकार गुंबद का आयतन, ठीक है ना, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे भवन का कुल आयतन, तो भवन का कुल आयतन अब क्या हो जाएगा, भवन का कुल आयतन कितना हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब, और धन में क्या हो जाएगा, पाई आर क्यूब होगा, तो जो है अब कितना हो जाएगा, ये पाई आर क्यूब है, ये पाई आर क्यूब है, ठीक, तो जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो 3 का इसमें गुणा होगा, तो 3 पाई आर क्यूब, और प्लस में 2 पाई आर क्यूब, तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं 2 पाई आर क्यूब, और प्लस में इसका इसमें गुणा होगा ना, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर क्यूब, अब बटे में जो क्या हो जाएगा 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 × 2 = 5, 5 पाई आर क्यूब बटा 3, भाई लिख सकते हैं इतना कि नहीं, देखिए ये पाई आर क्यूब है, ये पाई आर क्यूब है, ठीक है, तो पाई आर क्यूब में पाई आर क्यूब जुड़ना है, तो जुड़ सकता है, अब जो है 2/3 है, देखिए यहाँ पाई आर क्यूब को अगर मान लीजिए कि गायब है, तो अगर 2/3 अधन में 1 मैंने अकेले है, अच्छा मान लीजिए कि पाई आर को कामन ले लीजिए, आप लोग पाई आर को कामन ले लीजिए, तो पाई आर कामन निकल गया, तो अब बचेगा क्या, 2/3 प्लस में 1 बचेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 = 2 = 5 हो जाता है, होता है ना, तो 3 × 5 और 5/3 होगा, तो 5/3 का इसके साथ गुणा है, तो जो है 5/3 पाई आर क्यूब लिखेंगे ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग समझ जाएँ, ठीक है, तो हो गया पाई आर क्यूब बटे 3, 5 पाई आर क्यूब बटे 3, ठीक है। अब जो है यही जो आयतन होगा, जो उसमें हवा भरा हुआ है, इसमें जो हवा भरा हुआ है उस आयतन के बराबर होगा, तो हम लोग लिखेंगे, अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, अब हम लोग यहाँ लिखेंगे कि प्रश्नानुसार भाई ये हिंदी इसलिए लिख रहे हैं कि आप लोगों को जो परीक्षा में लिखने में आसानी रहेगा, सीखने में, ठीक है ना, कई लोग सवाल तो बता देंगे लेकिन कैसे लिख के इसको हल किया जाए वो नहीं बताते हैं, तो हम जो है कैसे लिख के हल करना वो भी बता रहे हैं, ठीक है ना, तो प्रश्नानुसार भवन का कुल आयतन लिखेंगे, भवन का कुल आयतन, प्रश्नानुसार भवन का कुल आयतन बराबर क्या होगा, हवा का आयतन, हवा का
आयतन, ठीक है, तो भवन का कुल आयतन कितना है, 5/3। अब पाई आर क्यू, अब बराबर हवा का आयतन कितना है, 41, सही, 19/21 है ना। तो अब हम लोग जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5/3, अब पाई का मान 22/7, और आर का क्यूब का आर क्यूब रहेगा, बराबर जो है इधर इसका इसमें गुणा करेंगे, 19 जोड़ेंगे तो हो जाएगा भाई 21 का 41 में गुणा करके और 19 जोड़ देना है, तो हो जाएगा 880, 880 अब बट्टे में 21 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे, अब जो इस सब को इधर लाएंगे, केवल यहाँ आर क्यूब रहना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ आर क्यूब है, ठीक है, और 5/3 को इधर लाएंगे, पहले तो लिख लेते हैं 880/21, अब गुणे, अब 5/3 को इधर लाते हैं ना, तो ये भाग में होगा, तो भाग में होगा यहाँ पे भाग में आएगा, गुणा में है तो भाग में आएगा 5/3, तो ये जो है 3/5 हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे 3/5, ठीक। वैसे ये भी भिन्न में है, आज जब यहाँ भाग में आएगा तो ये भी पलट जाएगा, तो 7/22 लिख देंगे, ठीक है, 7/22 हो गया। अब जो है आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ना, 7 3 21, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। अब 22 चौका 88, यहाँ 40 हो गया, ठीक है, और 5 8 40, ठीक, तो केवल बच गया 8, तो आर क्यूब बराबर हो गया 8, ठीक है। तो आर क्यूब बराबर 8, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, इसका घनमूल निकाल देंगे 8 का, भाई ये घात इधर आएगा तो 3 घात मैंने घनमूल हो जाएगा, ठीक है ना, इसको जो है ये 3 घात जब इधर आएगा तो ये इसका जो है घनमूल हो जाता है, जैसे वर्ग आता है तो ये रूट में हो जाता है, आ 3 घात इधर आएगा तो ये घनमूल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर्णी का घात 3 रहेगा, ठीक है, एक इसे कर्णी का घात पढ़ते हैं, ठीक है ना, जैसे कि अंडर रूट में ऐसे लिखा रहता है ना, अंडर रूट में ऐसे, तो इसका मतलब कर्णी का घात 2 है, तो कर्णी का घात 2 को लिखा नहीं जाता है, लेकिन अब 2 से ऊपर जो भी घात होगा तो यहाँ दिखाया जाता है, तो ये कर्णी का घात 3 हो गया, जिसका मतलब है कि इसका ट्रिक लेना है, जैसे कि इसकी इसमें 2 घात है तो इसका 2 लेके बाहर निकाल देते हैं ना, चाहे वर्गमूल निकालते हैं, चाहे इसमें गुणनखंड विधि से करते हैं, तो 5 × 5 जोड़ा लगा तो इसको 5 को बाहर ले लेते हैं, तो इसी तरह से इसमें भी जो है गुणनखंड कर लेते हैं 8 का, ठीक है, तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 = 4 × 8 होगा, और ट्रिक लगेगा इसमें, ट्रिक, तो 3 को जो है अगर मिल गया एक ही अक्षर 3 मिल गए तो इसका जो है बाहर निकल जाता है 2, तो ये 2 क्या हो जाएगा, इसमें से बाहर निकल जाएगा, तो आर का मान निकल गया 2, तो आर बराबर कितना हो गया 2, आर का मान 2 हो गया, ठीक है। अब आर का मान 2 हो गया तो देखिए अब ऊंचाई जो है नहीं ज्ञात हो जाएगा, आर का मान 2 है तो यहाँ जो है भवन की कुल ऊंचाई बराबर क्या है, 2 आर है, तो 2 × 2 आर कर देंगे, 2 × r, आर का मतलब 2, तो 2 × 2 = 4, तो भवन की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यहाँ लिख देंगे भवन की कुल ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर यहाँ लिखेंगे भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, और भी किसमें है, मीटर में, तो मीटर में हो जाएगा, ठीक है, तो 4 मीटर के भवन की कुल ऊंचाई हो गई, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। सवाल समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अन्य आपके स्टूडेंट्स, आपके साथियों को जो है इसका लाभ मिल सके। देखिए जब तक आदमी कुछ देगा नहीं तब तक कुछ मिलने वाला है नहीं, तो इसलिए आप लोग शेयर कीजिए, शेयर करने में मात्र 1 से 2 मिनट का समय लगेगा और जो है आपको बहुत कुछ मिल सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।